इन दिनों जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस की जंग लड़ रहा है, तो वहीं भारत में भी इसके चलते 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जहां देश भर में लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों में हैं, वहीं वैदिक तालों के शोधकर्ता जयालाल ठाकुर की माने तो लोग इस दौरान अपने घरों में वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अपने घर का वातावरण शुद्ध कर सकते हैं। मगर इसके लिए इन मंत्रों का उच्चारण तालबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे ये अधिक प्रभावशाली हो सके। वैदिक तालों के शोधकर्ता जयालाल की माने तो इस दौरान अपने घर में वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अपने घरों के वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। मगर इसके लिए इन मंत्रों का उच्चारण तालबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे ये अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। कोरोना वायरस की जो महामारी है, उससे पूरा विश्व आज पीड़ित है और पूरे विश्व के डॉक्टर नर्सें आज अपनी अपनी ड्यूटियां देने के बावजूद ओम मंत्र का उच्चारण और हमारे गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग घर पे बैठकर लॉकडाउन के समय में अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण लयबद्ध तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इन वेद मंत्रों को अगर लयबद्ध तरीके से गाएं तो इनका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसका प्रभाव जो है वो वातावरण की शुद्धि करता है। तो उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि देवधनाक्षर छंद के ताल में ये मंत्र कैसे गाया जाए रागों की ऋचाओं के साथ। ओम गंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। ये देवधनाक्षरी छंद के ताल पर आधारित ये मंत्र है। एक आवर्तन में 32 मात्राएं और 8 डंके हैं।